जबलपुर के घमापुर थाना मंदिर के आगे बीती रात बदमाशों ने एक चलती हुई कार पर पत्थर से हमला किया। इस हमले में पत्थर लगने से एक रिटायर्ड नर्स विराज दुबे गंभीर रूप से घायल हो गईं। उन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। मृतिका विराज दुबे सेवानिवृत्त SI नीरज शुक्ला की बहन थी। रिटायर्ड SI नीरज शुक्ला ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि उनका भतीजा दीपांशु उनकी दो बहनों रश्मि व विराज दुबे के साथ डिंडोरी जिले से कार से वापस लौट रहे थे। देर रात जैसे ही यह लोग पाठ बाबा के पास पहुंचे, तभी दो बदमाशों ने अचानक कार पर पत्थर से हमला किया। क्योंकि कार के कांच खुले थे तो पत्थर कार में बैठी वृद्धा विराज दुबे को लगा और वह घायल हो गई। दीपांशु उन्हें घायल हालत में निजी अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां उनकी मौत हो गई। परिजनों की माने तो बदमाशों ने लूट के इरादे से कार पर पत्थर फेंका, जो वृद्ध महिला को लगा और वह गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें अस्पताल लाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। हालांकि इस दौरान अस्पताल में भी मृतका के इलाज के बिल को लेकर परिजनों और प्रबंधन का कुछ विवाद हुआ, जिसे लेकर भी हंगामा होने की बात सामने आई है। रूम का बिल पे कर दिया तो नर्सिंग चार्जेस अलग से मांग रहे, ऑक्सीजन पर डे लगाया है। रात लेने वाले ट्रीटमेंट अभी पूरी हो रही, क्योंकि बिल भी नहीं मिल रहा है। किसी से इस दुनिया में हम लोगों की कोई दुश्मनी नहीं है। डेथ होने के बाद पुलिस को बुलाया गया, SP साहब से मेरे निवेदन किया गया, उनने भी तत्काल पुलिस भेजा, सब अपनी कार्रवाई पुलिस के हिसाब से सब अप टू डेट रही। लेकिन अब इनका कहना है कि ये बिल है 33,000 का। 33,000 में जो मेरे साथ पढ़े लिखे लड़के जो डॉक्टरी भी कर रहे हैं, LLB कर रहे हैं, उनने पूछे ये तो पार्ट हुआ नहीं, ये कार में हुआ नहीं, ये सामान लगे नहीं, इतना देर आपने किए और ये टाइमिंग के नहीं, केवल जो चीज़ हुई नहीं ट्रीटमेंट में उसको आप क्यों ऐड कर रहे हैं। हाँ, बॉडी नहीं दे रहे, वो बोल रहे तभी जब बिल पेड करोगे तभी हम बॉडी देंगे। जब पूछा गया कि चलो इसमें क्यों, चलो हम उसमें थोड़ा सा कम कर देते हैं, तो ये घर की खेती बनाए हुए हैं और ना ही अनलीगल चीज़ों को पैसा मांग करके। 35,000 हम बराबर जो लीगल है वहीं, क्योंकि मेरे साथ पढ़े लिखे कोई भी स्टेट अधिकारी या कोई भी डॉक्टर सिविल सर्जन आके इसमें चेक कर ले, जो लीगल है उतने काम के लिए हम पैसा जो होगा वो देंगे। लगभग 3 बजे हम लोग यहाँ जीसे फैक्ट्री के पास में केंद्रीय विद्यालय पहुँचे, वहाँ पर दो युवक सामने से आ रहे, उन्होंने कुछ फेंक के मारा तो एकदम से आवाज़ आई मेरे को। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो बुआ को ब्लड आ रहा था, तो मैंने सीधे बस गाड़ी लाया और हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया। दो लोग थे लूट के इरादे से उन्होंने मतलब मुझे मारा होगा, गाड़ी मैंने थोड़ा सा वो किया, पत्थर पीछे चला गया। घटना की जानकारी लगने के बाद पुलिस अस्पताल पहुंची, जहां पुलिस ने परिवार जनों से पूरे घटनाक्रम की जानकारी हासिल की। पुलिस ने शव का पंचनामा किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। सिटी अस्पताल से सूचना प्राप्त हुई थी कि मृतिका एक टाटा नैनो कार से डिंडोरी तरफ से आ रही थी, जिसमें कुछ दो अज्ञात लोगों द्वारा पत्थर मार के हमला किया गया, जिसमें मृतिका की ऑन स्पॉट डेथ हो गई थी। इसी सूचना पर मर्ग पंचनामा कार्रवाई किया, PM के लिए मृतिका के शव को मेडिकल कॉलेज भेजा गया। घटना केंद्रीय विद्यालय गेट के 1 नंबर के पास की है। पुलिस अब घटना की जांच में जुट गई है, साथ ही कार पर पत्थर से हमला करने वाले बदमाशों की पतासाजी की जा रही है।